पिता का नाम कुल दीजिए ना। हाँ यस पारो यस पारो। हाथ फट गया, हाथ हाथ पूरा डैमेज है, पैर डैमेज है, पैर पैर ज्यादा पेट फट गया। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक की मौत, पांच घायल। घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। आज रविवार को बिजनौर जिले के झालू कस्बा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस दौरान एक कारीगर अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग झुलस गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। विस्फोट की आवाज सुनकर चारों ओर भगदड़ मच गई। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस फोर्स व अग्निशमन विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए। फिलहाल घटना की जाँच में पुलिस टीम जुट गयी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये थाना क्षेत्र हल्लौर में गंगोरा जट गांव है, वहाँ एक आतिशबाजी बनाने की फैक्ट्री है। इसका लाइसेंस भी जारी हुआ है, 2028 तक है ये भी। इसमें आज सुबह आकस्मिक रूप से आग लगी, उसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस गांव पे पहुंची। जो घायल थे उनको परिजन तब तक ले गए थे। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अंदर लोग थे वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, उसी दौरान किसी घर्षण वगैरह से कोई चिंगारी हुई, जिससे ये घटना हुई है। आग पे काबू पा लिया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके मानक को लेकर के सर, इसमें मानक को लेकर इसकी जांच कराई जाएगी। CFO भी यहाँ मौजूद हैं, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और उसी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिनकी इंजरी हुई है उनको क्या मुआवजा मिलेगा, ये आगे की बात है। अभी पहले एक बार उनका उपचार हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। अच्छा सर, जो मजदूर काम करते हैं रजिस्टर्ड होते हैं या ऐसे ही होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं। ये भी सब जांच का विषय है, पूरी जांच की जाएगी कि क्या था, मजदूर किस तरह से यहाँ काम कर रहे थे, किस तरह से आग लगी। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू में अचानक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, पांच लोग झुलस गए। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर ने मौका मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर से जनवानी के लिए राहुल चौधरी।